मालिक को दान करते हैं अधिक मास में 33 नहीं लिखे अधिक मास की कथा में लिखे 33 ही क्यों करते हैं कई के लिए करे जाते 33 मालिक हुए कोई महाराज जी से पूछियो कि भाई अरे 33 ही क्यों 31 कर दो 32 कर दो और मालपुए क्यों रसगुल्ला कर दो इमरती कर दो जलेबी कर दो पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में मालपुए और वो भी 33 31 नहीं अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो 11 कर लो 108 कर लो पर 33 ही मालपुए अधिक मास में तो अधिक मास की कथा में ये वर्णन किया गया है कि मालपुए ही इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं रसगुल्ला नहीं और 33 क्यों 30 दिन के तो 30 31वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया सूतक सावड़ जानते हो ना मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ खा लिया जाए तो सूतक का है और सावड़ मतलब किसी के बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो सावड़ का हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े हमारे पूर्वज हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े इसलिए मालपुए का दान देने से हमारा पूर्वज डर जाता है मालपुए का 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है 26वें नंबर के मालपुए पर अगर विजयंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है कभी जिंदगी भर नहीं होती वैजयंती का दान इतना प्रबल है वैजयंती माला 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर वैजयंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है समाप्त वैजयंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना वैजयंती माला के कभी नहीं रखना क्यों शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा हमारे घर में हाय लगी नजर लगी या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वैजयंती माला में जो मन के होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं टूटना चालू हो जाते हैं तीन दान है वैजयंती के कितने दान अधिक मास में 26वें मालपुए पर दान वैजयंती का दूसरा दान हमारे यहाँ कहा गया वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजयंती का दान कर देने से लक्ष्मी के घर में कभी कमी नहीं होती काय का दान जम के बोलो वैजयंती का कौन से दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तीसरा दान वैजयंती का बसंत पंचमी के दिन अगर वैजयंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता सास बहू देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है कौन से दिन जम के बोलिए बसंत पंचमी तीन वैजयंती के दान पहला दान अधिक मास में कौन से मालपुआ 26वां मालपुआ वैजयंती का दान दूसरा वैकुंठ चतुर्दशी के दान किसके लिए लक्ष्मी के लिए तीसरा बसंत पंचमी के दिन वैजयंती का दान काय के लिए घर परिवार में प्रेम को एक बात अपने जीवन में सदा उतार कर